हेलो 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 बच्चे, आवाज़ जा रही है बेटा? हेलो यस सर, आवाज़ आ रही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब लोग? सर आवाज़ आ रही है, ऑल क्लियर सर, बहुत अच्छे। कैसे हो सब लोग? कैसा चल रहा प्रिपरेशन? मेरे पेपर का हालत बताओ, मेरे पेपर का हालत बताओ। यस सर, आवाज़ आ रही है। क्या हालत है बेटा, फिजिक्स कैसा चल रहा तुम लोग का? कुछ कॉन्फिडेंट आ रहा है फिजिक्स में? कॉन्फिडेंट आ रहा है बच्चे? आज से लॉन्ग क्वेश्चन का सीक्वेंस लेकर के हम लोग आए हैं। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पर डे शांति से करेंगे। और अभी जो दो तीन क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो दोनों तीनों क्वेश्चन को कम से कम 5-5 बार घर में लिखना है। अभी क्वेश्चन जो हम यहाँ पर आज करवाएंगे, वो सभी क्वेश्चन को 5-5 बार घर में लिखना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है। अगर हम लोग 10 दिन, जैसे आज अपन का 6 तारीख हो गया, अगर 10 दिन, 10 से 15 दिन मानकर चलो कि जिस दिन भगवान आ रहे हैं, जिस दिन भगवान का पूजा है 22 तारीख को, अगर उस समय तक पर डे तुम लोग पर डे का क्लास पर डे अगर तुम क्लियर करते जाओ, क्लियर करते जाओ, क्लियर करते जाओ, तो ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा उतना ही दिन में, उतना ही दिन में तुम लोग का ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। लेकिन फिर ये वही बात हो गया कि फिर एक क्लास देखने का नहीं होगा। मतलब सर पानी पड़ रहा है वहाँ पर? हाँ भाई, यहाँ भी पानी पड़ रहा है। और ये भाई अच्छे बच्चे, ये सब एक्स्ट्रा बात हो गया। अच्छा बच्चा है ना, तो आपकी कृपा से फिजिक्स अच्छा लग रहा है। आकाश, आकाश भाई क्या है ना कि मेरी कृपा से नहीं, तुम मेहनत करोगे ना बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक अच्छा प्लानर हूँ, मैं तुमको एक अच्छा प्लान बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे आ चुके हो, और सारे बच्चे सभी लोग आ जाओ। अब ये क्या है ना कि थोड़े मेरे प्लान पर चलो। मेरा मेरे में मतलब क्या होता है कि मैं पर डे काम करना पसंद करता हूँ। पर डे काम करना मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं 15 क्वेश्चन कर लूँ और फिर आराम से 5-6 दिन रेस्ट करूँ। उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं 2 ही 3 क्वेश्चन करूँ, लेकिन 5ों दिन 6ों दिन करूँ। मेरा प्लान ये बताता है कि मैं ओवरलोड लेकर क्यों चलूंगा। मेरे को एक पेपर थोड़ी पढ़ना है। कल जब मैं तुम लोग को क्लास दे लिया था, तो मैं कल भी तुम लोग को बताया था कि सभी पेपर का बैलेंस बना करके चलो। केवल फिजिक्स, हम मान लो फिजिक्स का क्लास चल रहा है और केमिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, तो मैं इसी में पूरे के टाइम झोंक दूँ तो उससे तो मेरा रिजल्ट नहीं सही होने वाला है ना। तो बस बच्चे क्या है ना कि बैलेंस बनाना सीखो, बैलेंस बना करके चलो। तो मेरा ये कहना है कि मात्र दो तीन कोडरमा से हैं सर। चलो थैंक यू, बहुत अच्छे। सभी जगह से सारे बच्चे आ जाओ, बिल्कुल पूरे झारखंड से बच्चे आ जाएं। सर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन न्यू एनसीईआरटी से होगा या ओल्ड एनसीईआरटी से? ये सब का जगह समय नहीं है। न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, जहन्नू में जाए एनसीईआरटी, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ करो, इससे तुम्हारा एग्जामिनेशन अच्छा चला जाएगा। अब ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे न्यू एनसीईआरटी से होगा, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी में तुम्हारा क्या है कि जो तुम्हारा 15 नंबर चैप्टर वो काट करके दिया है। लेकिन इन सब चीज़ में मत मेरे भाई, ये सब चीज़ में मत फंसा भाई। सर आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, बहुत अच्छा, वेलकम। तो सर मैथ्स का, जैक का अच्छा चैनल बता दीजिए। नहीं, मेरे दिमाग में नहीं है, मैं पता करके आपको बता दूंगा। सर आपका चेहरा
बहुत बड़ा दिखता है। चलिए क्या कीजिएगा, भगवान बड़ा चेहरा बना दिया है। चलिए ठीक। हाँ अब डेराइवेशन बता दीजिए सर, हिंदी मीडियम वाले कहाँ जाए। नहीं 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 एक मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, एक मैं यहाँ के रंजीत भाई कोई है आपका, मैंने पहले भी एक मैसेज मेरे पास शायद आप किए थे या कोई बच्चा किया था कि सर ऑब्जेक्टिव तो इंग्लिश में आप बताते हैं तो चलिए पता चल जाता है, लेकिन सर सब्जेक्टिव को हिंदी में बताइए। मैं ज़बरदस्त हिंदी यूज़ करूँगा, और आप सब्जेक्टिव का जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे दोस्त तो तुमको ये पता नहीं चलेगा कि मैं हिंदी में कर रहा हूँ या इंग्लिश में कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको आपको दिमाग में मतलब आपके हम बेस बनाते हुए आपके माइंड में मतलब आपके बातों को माइंड में रखते हुए मैं क्लास आगे लूँगा। हिंदी उतना टाइप करना भाई क्या होता है, मुश्किल होता है भाई, क्योंकि क्योंकि PPT बनाना कोई आसान खेल नहीं है मेरे दोस्त। तुम लोग को रेडीमेड बना बनाया हुआ मिल जाता है मेरे भाई, तो तुम लोग को नहीं कुछ समझ में आता होगा, बनाने वाले को समझ में आता है। और एक दिन में दो क्लास रहता है मेरा, तो मतलब हुआ कि अभी जैसे हम ऑफलाइन क्लास लेकर के आए, अभी तुम्हारा इस क्लास के लिए PPT बनाए, अब यहाँ से क्लास से हटेंगे, फिर तुम्हारा PDF जाता है, भेजा जाता है, उसके बाद कुछ खाना वाना खाने के बाद फिर से हम लग जाते हैं तो शाम वाले, क्योंकि शाम में भी ऑफलाइन क्लास लेने जाना होता है, तो थोड़े से टाइट शेड्यूल हो जाता है मेरे दोस्त। तो तुम लोग भी थोड़ा सा कंसिडर करो और मैं भी करूँगा। आई एम फ्रॉम गिरिडीह निखिल। चलिए बहुत अच्छे, तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्लास लेकर के आज तुम लोग के पास हम आए हैं, एंड टॉपिक्स भी कवर्ड। आज का जो टॉपिक्स है अभी मैं केवल 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर मैक्सिमम ध्यान दे रहा हूं। अभी मैं केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर ध्यान दे रहा हूं बच्चे। तुम्हारे 5 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उन्हीं को मैं अभी ज़्यादा फोकस कर रहा हूं। तो आज का जो तुम्हारा टॉपिक्स है, ये 3 टॉपिक्स है कि पहला तो मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि 1/A = μ-1, 1/R1 - 1/R2 फॉर ए लेंस। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है प्रिज्म फार्मूला, और तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा लेंस मेकर्स फार्मूला 1/V - 1/U = 1/F। 3 क्वेश्चन पर मात्र मैं दिमाग लगाने जा रहा हूं। सर चैप्टर से मार्किंग कर दीजिए, मैं चैप्टर से पहले इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का लिस्ट भेज चुका हूं, और जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का लिस्ट मैं भेजा हूं शिवानी सर शाम में भी ऑफलाइन क्लास लेने जाते हैं। हाँ बेटा शाम में भी ऑफलाइन क्लास लेने जाते हैं। 11 का तुम लोग से जूनियर जो 11 है ना उन लोग का क्लास चलता है ना बेटा, रोजी रोटी कैसे चलेगा बेटा, यूट्यूब से तो कोई पैसा आता नहीं ना है मैं छोटा यूट्यूबर हूँ ना बेटा, मेरे को बड़ा यूट्यूबर तुम लोग बना दोगे तो 2-4 रुपया इससे भी आने लगेगा, लेकिन अपना तो रोजी रोटी का साधन ऑफलाइन क्लास है ना बेटा। तो हाँ तो आते हैं सबसे पहले। अब देखो मैं शांति से मैं टाइम दे करके ये 3 क्वेश्चन तुम लोग को करवाऊंगा, और तुम लोग कमिटमेंट करो कि यस सर आज 5-5 बार हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे। एकदम बिल्कुल कमिटमेंट करो सारे के सारे बच्चे कि यस सर, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे करते करते एक एक दिन अगर समय गुजार दोगे तो फिर लास्ट में कवर नहीं होगा। तो हम आते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। मैंने पहले तो तुमको हम क्या यहां मैंने क्या करा है कि जो कौन कौन क्वेश्चन हम ऑप्टिक्स में उठाएंगे वो हम तुमको बता दिए कि ऑप्टिक्स में तुम्हारा हम सबसे पहले उठाने जा रहे हैं 1/F, ये आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। दूसरा है प्रिज्म फार्मूला, ये भी मैं तुमको आज ही पढ़ाने जा रहा हूं, ये प्रिज्म फार्मूला भी आज ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तीसरा ये लेंस मेकर फार्मूला भी मैं आज, तो ये 3 क्वेश्चन मैं आज पढ़ा दूंगा। फिर तुम्हारे पास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, तो कल मैं उठाऊंगा तो 3 क्वेश्चन मैं कल पढ़ा दूंगा, फिर चौथा दिन मैं उठाऊंगा तो 3 क्वेश्चन मैं तीसरा दिन पढ़ा दूंगा, और 3 दिन में तुम्हारा ऑप्टिक्स का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। और 3 दिन में तुम लोग भी कमिटमेंट करो कि यस सर 5-5 बार लिख लिख करके बिल्कुल बिना कहीं से देखे लिखे लिखने का मैं सर ताकत बना लूंगा। और बच्चे बिल्कुल ध्यान दो कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा लॉन्ग में। लॉन्ग में ऑप्टिक्स से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना दोस्त तो इसके भीतर से ही पूछेगा, इसलिए बिल्कुल तुम कन्फर्म रहो कि अगर इतना क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारा ऑप्टिक्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हो जाएगा, और तुम लक्की रहोगे तो इसी में से कोई 3 मार्क्स में भी तुम्हारा आ जाएगा। सर साउंड वाइब्रेट हो रहा है। हाँ वो साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, कुछ क्या होता है ना कैच कर लेता है, फिर भी मैं एक बार इसको देखता हूँ, मैं एक बार फिर देखता हूँ तुम लोग का। सर आप जो क्वेश्चन करवा सब करने से गया बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम करवा ही दे रहा हूँ, बहुत अच्छा जाएगा। तो चलो थोड़ा सा साउंड
कॉम्प्रोमाइज करना और हम क्वेश्चन नंबर पर आ। और एक बात तुमको मैं यहां और बता रहा हूं कि अभी जो क्वेश्चन मैंने तुमको उठाया एक क्वेश्चन बैंक में, जहां पर रे ऑप्टिक्स क्वेश्चन बैंक में चल रहा था, रे ऑप्टिक्स जहां पर क्वेश्चन बैंक में चल रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन दिया है। ये मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंट के लिए ला दिया हूं तब, ताकि तुम समझ सको कि सर एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है। ये तुम्हारे कॉन्फिडेंट के लिए मैं वहां से उठा करके यहां पर मैंने ला दिया कि किसी लेंथ के लिए निम्नलिखित सूत्र को प्राप्त कीजिए, 1/f = μ-1, 1/1R1 - 1/R2। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एकदम रट्टा मार लेना दोस्त, एग्जामिनेशन में हो सकता है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही करके दे दे। जरूरी नहीं कि 1/f = μ-1, 1/R1 - 1/R2 करके दे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला करके दे दे तो दे दे तो भी कोई बात नहीं है। और ये तो मैंने अभी क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया है, और अमित कुमार वर्मा जी ये सब चीज मैं बता चुका हूं। सर हिंदी मिक्स क्वेश्चन लाइएगा, चलिए पहले पढ़ा लेते हैं फिर आप लोग का मैसेज चेक करेंगे। हाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंस लेते हैं, सबसे पहले हम लेंस लेते हैं। चलिए एक फिगर आपका साथ साथ मैं यहाँ जो बनाया उसका मैं एक फिगर आपको साथ में दिखला करके बना दूंगा। एक लेंस लेते हैं, अब क्या है इस लेंस में देख लीजिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चली है, आप यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट लेकर के रे को ऐसे लेकर के चलिए। अब देखिए इसमें दो इमेज बनेगा, एक बार फर्स्ट सरफेस से बनेगा, एक बार सेकंड सरफेस से बनेगा, एक बार फर्स्ट सरफेस से बनेगा, एक बार सेकंड सरफेस से बनेगा। जब फर्स्ट सरफेस से बनेगा उस समय बाई द वे इमेज मैंने यहाँ बनाया, फर्स्ट सरफेस से जब बना तो मैंने इमेज यहाँ पर बनाया, और जब सेकंड सरफेस से बनेगा तो फिर मैंने इमेज इसको यहाँ बनाया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम उम्मीद करें कि फिगर भी ना देखे इमेज बना लीजिएगा, मैं उम्मीद करूं कि बिना देखे आप बना लीजिएगा। अब जरा सा फर्स्ट सरफेस पर आ जाइए, यहां पर ऑब्जेक्ट था, यहां पर इसका इमेज बन रहा था यहां। अब देखिए आईडेस मान लीजिए, चूंकि इमेज दो बार बन रहा तो एक बार आईडेस मान लेंगे, और सेकंड सरफेस से बना यहां, सेकंड सरफेस से जब इमेज यहां बना उस समय सेकंड सरफेस के लिए यह ऑब्जेक्ट का काम करता है। बच्चा एकदम से सुन लो कि जब सेकंड सरफेस से इमेज आई बना, फर्स्ट सरफेस से इमेज ओ सॉरी ऑब्जेक्ट ओ, फर्स्ट सरफेस से इमेज आई डैश, सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट आई डैश इमेज आई, ऑब्जेक्ट आई डैश इमेज आई, ऑब्जेक्ट आई डैश इमेज आई, इस डिस्टेंस को हम यू कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम भी डैश कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम भी कहेंगे, इधर का इंडेक्स म्यू डैश, इधर का इंडेक्स म्यू डबल डैश, लेंस का इंडेक्स म्यू, लेंस का इंडेक्स म्यू, इसका बायां रेडियस आर वन, इसका दायां रेडियस आर टू। आप क्या बिना देखे फिगर बना देंगे, क्या आप इस फिगर को बिना देखे बना दोगे बच्चे? क्योंकि अब तो बनाना ही पड़ेगा, अब तो दोस्त आप लोग को बनाना ही पड़ेगा, अब तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अब अगर नहीं बनाइएगा तो फिर दोस्त कब बनाइएगा। तो चलिए हम फिर से बोल दे, पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यू, पहला सरफेस के लिए इमेज भी डैश, पहला सरफेस के लिए फर्स्ट इंडेक्स म्यू डैश, पहला सरफेस के लिए सेकेंड इंडेक्स म्यू, और पहला सरफेस के लिए रेडियस आर वन। चलिए यहां मैं लिख लेता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं, पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यू इमेज भी डैश, फर्स्ट इंडेक्स म्यू डैश, सेकेंड इंडेक्स म्यू, रेडियस आर वन। जिस बच्चे को ये पांच पॉइंट समझ में आ गया उसको कोई समस्या नहीं होगा, ये पांच पॉइंट का ही सारा खेल है। पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यू इमेज भी डैश, फर्स्ट इंडेक्स म्यू डैश, सेकेंड इंडेक्स म्यू और रेडियस। अब आते हैं हम लोग सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट जल्दी से बता दो तो भी डैश, सेकेंड सरफेस का इमेज बता दो तो भी, सेकेंड सरफेस का फर्स्ट इंडेक्स बता दो तो सेकेंड सरफेस यहां से शुरू होकर यहां खत्म हुआ है तो म्यू
सेकेंड इंडेक्स म्यू डबल डैश और एडीएस आर टू। ए फर्स्ट सरफेस का ए वैल्यू और सॉरी सेकेंड सरफेस का ए वैल्यू और फर्स्ट सरफेस का ए वैल्यू जिस बच्चे का क्लियर हो गया उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। साउंड प्रॉब्लम्स तो थोड़ा सा है यार, कॉम्प्रोमाइज करो मेरे भाई, हम क्या करें। म्यू डबल डैश और एडीएस आर टू, ए फर्स्ट सरफेस का ए वैल्यू, इतना बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है कि अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। और फर्स्ट सरफेस का ए वैल्यू जिस बच्चे का क्लियर हो गया, अभी तो मेरे पास भी एक सिस्टम चल रहा है देखो, और सिस्टम में मैं साउंड स्वयं सुन रहा हूं, इतना बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है यार, कॉम्प्रोमाइज करो मेरे भाई, हम क्या करें। इतना बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है कि अंडर, बीच में यार अब मैं अभी क्या कर सकता हूं इसके लिए। ये गुड्डू भाई प्रॉब्लम ही देखने आए हो क्या मेरे भाई, चलो आओ देखो आओ। तो जितना बात मैंने बताया अगर तुमको समझ में आ गया है तो फिर देखना कोई दिक्कत नहीं होगा। लेंस मेकर्स फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एफ और म्यू के बीच में रिलेशन बताने वाले फॉर्मूला को हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, और ये फॉर्मूला होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। इस फॉर्मूला को लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहा जाता है। हम लोग क्या लेते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस में आए, ओ ऑब्जेक्ट है, आई डैश है पहला सरफेस का इमेज, आई है सेकेंड सरफेस का इमेज, जिस समय आई डैश सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हम तुमको फिगर बनाकर दिखलाएं। आते हैं फर्स्ट सरफेस में, फॉर्मूला होता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। फॉर्मूला होता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब बोलो पहला सरफेस के लिए म्यू टू कितना था, पहला सरफेस के लिए म्यू टू कितना था जल्दी बता दो। तो म्यू टू था मी, भी कितना था पहला सरफेस का भी डैश, देख लो यहाँ पर पहला सरफेस का म्यू टू कितना था म्यू, भी कितना था भी डैश, चलो पुट करो यहाँ पर, म्यू वन कितना था म्यू डैश, यू कितना था यू, और ये तो हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, आर कितना था आर वन। जितना भी वैल्यू तुमने पहले सरफेस का लिया वो सारा का सारा वैल्यू तुम यहां पुट कर लो। मैंने बोला ना कि जिस बच्चे को 5 वैल्यू लेने आ गया इस क्वेश्चन का वो धज्जी उड़ा देगा, इस क्वेश्चन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब अगर तुम सेकंड सरफेस के लिए यहीं पर आ जाओ, सेकंड सरफेस के लिए पुट करना, बोलो सेकंड सरफेस का म्यू टू कितना था, तो म्यू डबल डैश, सेकंड सरफेस का म्यू टू कितना था तो म्यू डबल डैश, भी कितना था तो भी, बोलो सेकंड सरफेस का म्यू वन कितना था तो म्यू, उसका यू कितना था तो भी डैश। अब यहां तो यही हो जाएगा म्यू डबल डैश माइनस म्यू, और रेडियस कितना था आर टू, ये हो गया इक्वेशन टू। इसको तुम ऐड कर दो, जब तुम इसको ऐड करोगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा तो म्यू डबल डैश बाई भी माइनस म्यू डैश बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश बाई आर वन प्लस म्यू डबल डैश माइनस म्यू बाई आर टू। अब ऐसा करो, इसको ज्यों का त्यों रखो, म्यू डबल डैश बाई भी म्यू डैश बाई यू, इसको ज्यों का त्यों रखो, लेकिन लेकिन इसको इसको भी पहला इसको भी ज्यों का त्यों रखो, म्यू माइनस म्यू डैश बाई आर वन, इसके बाद वाले को चेंज कर दो यहां से। माइन बच्चे सावधान, बच्चे टेक केयर, एकदम से सावधान, एकदम से सावधान। यहां से माइनस कॉमन लो, जैसे यहां से माइनस कॉमन लोगे वर्ड पलट जाएगा। अगर y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स है, और अगर उसको हम माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। यहां से माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा म्यू माइनस म्यू डबल डैश, क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे म्यू माइनस म्यू डबल डैश बाई आर टू, ये हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ हवा है, म्यू डैश और म्यू डबल डैश दोनों तरफ हवा है, हवा का इंडेक्स कितना होता है वन होता है, तब ये बन गया वन बाई भी माइनस वन बाई ई इज इक्वल टू, ए हो गया म्यू, ए हो गया वन
बाई आर वन माइनस म्यू माइनस वन बाई आर टू, और तो वन बाई वी माइनस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ, यहां से म्यू माइनस वन कॉमन ले लो और अब हो गया वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये हो गया तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन अगर आर वन, आर वन अगर प्लस है और आर टू अगर माइनस है तो तुम्हारा यही फॉर्मूला हो जाएगा, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन माइन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। अब बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स हुआ क्या, अब जल्दी से बता दो कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स हुआ क्या। हम उम्मीद करें समझ में आ गया है बच्चे, एक बार थम्सअप कर दो, अगर समझ में आ गया है तो थम्सअप कर दो। एक बार बच्चे थम्सअप कर दो। समझ में आ गया बच्चे, बहुत अच्छे, एक्सलेंट। चलो कुछ बच्चे का वंस मोर था, एक बार फिर से ध्यान दे दो, एकदम से टाइम दे करके पढ़ाएंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। एक बार फिगर पर ध्यान दे दो, यहाँ से ऑब्जेक्ट से ऐसे रे चला, ए पहले सरफेस पर आया, पहले सरफेस से इमेज बना आई पर, इसका मतलब है कि पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया यू, ए डिस्टेंस को यू कहेंगे, पहले सरफेस के लिए इमेज बन गया वी डैश, पहले सरफेस का पहला इंडेक्स म्यू डैश हवा है, बाद में वन लेंगे, पहले सरफेस के लिए दूसरा इंडेक्स है म्यू, इसको अगर तुम सेट थ्योरी में पढ़ना चाहो तो ऐसे पढ़ो, ए है म्यू डैश, ए है म्यू, ए है म्यू डबल डैश, तो ए हो गया पहला म्यू डैश, ए हो गया पहला, ए हो गया दूसरा, दूसरे का ए हो गया पहला, ए हो गया दूसरा। अब तो इतने तरीके से हम बता रहे हैं, अगर इसके बाद अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो बड़ा ही इंटेलिजेंट है, फिर मेरे को एलाइन बोलने के लिए मैं विवश हो जाऊंगा। सेकेंड सर्फेस के लिए इमेज यहां पर बन जाएगा और सेकेंड सर्फेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा वी डैश और इमेज हो जाएगा वी, रेडियस हो जाएगा आर, यहां आर टू, इसका पहला इंडेक्स होगा म्यू और दूसरा इंडेक्स होगा म्यू डबल डैश। फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूला यही होता है दोनों सरफेस के लिए, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस। अब दोनों ही के लिए, पहला सरफेस के लिए सारा वैल्यू पुट किए, दूसरा सरफेस के लिए सारा वैल्यू पुट किए, ए कैंसिल हो गया, ए बच गया। मैंने बोला कि यहां से तो माइनस कॉमन लोगे, जैसे माइनस कॉमन लोगे ये चेंज हो जाएगा, जैसे माइनस कॉमन लोगे चेंज हो जाएगा। अब इसके बदले और इसके बदले वन पुट कर दो, इसके बदले और इसके बदले वन पुट कर दो, क्योंकि ये एयर है, एयर का इंडेक्स है, एयर का इंडेक्स वन होता है, पर इसके लिए वन बाई वी वन बाई यू म्यू माइनस वन बाई आर वन माइनस म्यू माइनस वन बाई आर टू, यहां से म्यू माइनस वन कॉमन ले लो, वन बाई वी माइनस वन बाई यू के बदले वन बाई एफ करो, तुम्हारा आंसर आ गया, आंसर आ गया। चलिए जैसा क्वेश्चन बैंक में है वैसा कर सकते हैं, देखिए उससे ज़्यादा इजी आपको मैं दे रहा हूँ, ऐसे अगर वो आपको इजी लगे तो आप कर लीजिए, इन सभी क्वेश्चंस का मैं क्या जवाब दूँ। आइए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, मतलब रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। आपको संबंध बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब न्यूनतम विक्षेप का कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विक्षेप के कोण के बीच में संबंध बताना है। सबसे अच्छा बात समझिए, ये प्रिज्म फॉर्मूला है, ये प्रिज्म फॉर्मूला है, आपको प्रिज्म फॉर्मूला के बारे में बताना है। प्रिज्म फॉर्मूला के बारे में तो फिर आप सबसे पहले फिगर पर ध्यान दीजिए, चलिए इसके साथ साथ मैं आपको फिगर, ये फिगर के साथ साथ मैं एक फिगर आपको बनाता हूँ ताकि आपको फिगर बनाने में सुविधा हो। आप एक प्रिज्म ले लो बेटा, आप एक प्रिज्म ले लो, देखो यहाँ पर एक प्रिज्म लिया हुआ है। अब यहाँ से देखो इंसिडेंट रे चला, इंसिडेंट रे चला, यहाँ से तुम भी एक इंसिडेंट रे चला लो। अगर बाय द वे ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऐसे चला जाता। तुम सबसे पहले एक यहां पर क्या करो, सबसे पहले तुम क्या करो कि यहां पर एक ऐसे नॉर्मल लाइन डाल लो, ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन डालने से तुमको फायदा ये होगा कि नॉर्मल लाइन तुमको ये बताएगा कि जो रे यहां से चली है वो पहला डेविएशन के साथ कैसे जाएगी। तो फर्स्ट डेविएशन के साथ वो ऐसे जाएगी, यहां से फर्स्ट डेविएशन हुआ वो ऐसे चला। अब यहां पर तुम क्या करो, एक दूसरा नॉर्मल लाइन डाल लो, एक ऐसे दूसरा नॉर्मल लाइन डाल लो, और सेकेंड डेविएशन के साथ ये कैसे भाग रहा है, सेकेंड डेविएशन के साथ ये कैसे भाग रहा है,
तो मान लो कि सेकेंड डेविएशन के साथ ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है। अब इसी को तुम क्या करो कि बैक तक बढ़ा लो, यहां पर एक एंगल बन गया, ऐसे बैक तक बढ़ा लो, एक यहां पर एंगल बन गया, इस एंगल को हम डेल कहते हैं, इस एंगल को हम डेल कहते हैं। ये क्या है? तो ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रे मतलब आने वाली रे। ये क्या है? सबसे बाहर निकलने वाली रे, तो इसको बोलते हैं इमरजेंस, इमरजेंस रे, इमरजेंट भी बोला जाता है, इमरजेंस रे। यहाँ पर, यहाँ पर देखो ए है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ए को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ए को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर देखो ए, ए जो लाइन दिया हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म, ए क्या है देखो इंसिडेंट रे है। अच्छा ए, ए क्या, अरे यार इधर ए क्या हो गया, ए हो गया आई वन, आई वन, ए पहला, पहला इंसिडेंट है, ए हो गया आई वन, ए हो जाएगा आर, आर वन, ए हो जाएगा आर टू, ए हो जाएगा पहला डेविएशन डेल वन, ए हो जाएगा दूसरा डेविएशन डेल टू, पहला डेविएशन और दूसरा डेविएशन। इस पॉइंट को कुछ मान लो, तुम्हारे फिगर में इस पॉइंट को एन माना हुआ है, एन माना हुआ है। हम उम्मीद करें फिगर बिना देखे बना लोगे, मैं उम्मीद करूं बच्चा कि फिगर बिना देखे बना लोगे। बच्चे क्या आप इस फिगर को बिना देखे बना सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम बनाए वैसे बना सकती हो रुचिता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्रिस्टल क्लियर, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे। तो फिगर जब आपका हो गया, अब हम लोग आते हैं इसके कैलकुलेशन पर, अब हम लोग आते हैं इसके कैलकुलेशन पर। हाँ, मैं एक बात यहां पर और बता देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन बैंक आपका दिया है, उस क्वेश्चन बैंक का रे ऑप्टिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जो बच्चे बोले कि थोड़ा हिंदी में क्वेश्चन कर दीजिए, तो जहां जहां क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो वहां से मैं आपको बता दिया करूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंट, पहला बात है कि कॉन्फिडेंट हो जाए, दूसरा बात है कि आप क्वेश्चन बैंक में भी देखना चाहते हैं तो इसको आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। ये जो अभी नोट्स मैं यहां दिया हूं, इसी नोट्स के साथ वहां पर भी समझाया हुआ है, तो आपको एक ये भी फायदा होने जा रहा है। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग नोट्स के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे में इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाए कि वो प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे। तो वहां पर बिल्कुल 14 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म, फाइंड द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर प्रिज्म, कि ए होता है, ए प्रिज्म फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले को मैं प्रूव करने जा रहा हूं। अब देखिए, हमने बताया कि वेन ए प्रिज्म इज इन द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर प्रिज्म से बहुत ही मिनिमम डेविएशन करवाया जाए, अगर बहुत मिनिमम डेविएशन करवाया जाए, बड़ा डेविएशन नहीं करवाया जाए, तो ए आई वन है और ए आई टू है, तो आई वन और आई टू दोनों आपस में बराबर होगा। आई वन इज इक्वल टू आई टू, और इसको माना जाएगा आई, आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई। बिल्कुल बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब मिनिमम डेविएशन होता है, तो मिनिमम डेविएशन में रे इतना टेढ़ा नहीं चलता है, बिल्कुल लगभग लगभग सीधे पार कर जाता है, और जब सीधे पार कर जाएगा तो आई वन और आई टू, इसको आई टू भी मान सकते हैं, चाहे ई भी मान सकते हैं, इमरजेंस को ई भी माना जाता है। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन किस में किया हुआ है, अगर I2 में किया हुआ रहेगा तो I2 मानेंगे, अगर E में किया रहेगा तो E मान लेंगे। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, अगर E रहेगा तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि I1 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू I, ऐसे भी आप कह सकते हो। देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे किया हुआ, तो I1 और I2 दोनों कितना है, I है, उसी प्रकार से R1 R2 दोनों कितना हो जाएगा, डेल R हो जाएगा, और डेल किसके बराबर होगा, डेल M के बराबर होगा। मैंने अब चूंकि ये प्रिज्म बीच से आपका पढ़ाया हुआ है, आपको क्वेश्चन बीच से बताया जा रहा है, अगर एकदम थ्रू आउट प्रिज्म अगर आप पढ़े रहते, तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइनर अभी क्लास कर रहे होंगे, इससे एक पहले डेविएशन का इनको क्वेश्चन मैंने बताया था, और वहां पर मैंने बताया था कि आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू ए प्लस डेल, ए फॉर्मूला होता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल, ए फॉर्मूला होता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल, फॉर्मूला याद कर लीजिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल, ए फॉर्मूला होता है, बच्चे मेरे साथ याद कर लीजिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल। अब अगर I1 और I2 दोनों बराबर है, तो इसके बदले भी I प्लस, इसके बदले भी I प्लस ए प्लस डेल, अब यहाँ हो गया 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल, यहाँ से i का मान निकालेंगे तो a प्लस डेल बाई टू, ध्यान दीजिएगा i का मान निकल गया, i इज इक्वल टू ए प्लस डेल बाई टू। अब यहाँ पर केवल दो ट्रिक्स है, सिर्फ दो ट्रिक्स है, इतना बड़ा क्वेश्चन में
पहला ट्रिक से फिगर बनाना और दूसरे ट्रिक्स में दो छोटे छोटे फार्मूला को याद करना। जिस बच्चे को ये दोनों का दोनों चीज अगर याद हो गया उन बच्चे को कोई समस्या होने वाला नहीं है। पहला मैंने बताया कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल। इतना बार बोलने के बाद तो बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा को भी याद हो जाएगा। ये कहां से आया है सर, जिनको ये बात पढ़ना है वो क्लास छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किसी गंवार का ही हो सकता है। एक तो आप कुछ पढ़ करके नहीं आए हो, एक तो कुछ भी आज तक नहीं पढ़े हो, है ना, और अभी जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हो उस क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि कहां से आया है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस टॉपिक्स में है, प्रीवियस टॉपिक्स में। तो पहले मैं प्रीवियस टॉपिक्स तुम्हारा प्रूव करूं तब इस क्वेश्चन को मैं बताऊं। तुम लोग को शर्म नहीं लगता है कि इतने, अभी जिस बच्चे को 1 मंथ के बाद एग्जाम देने जा रहा है, ऐसे छोटे छोटे बात अगर नहीं पढ़ करके आए हो तो निश्चित है कि तुम लोग स्टेट टॉपर स्टूडेंट हो। बुरा तो लगता होगा हमारी बात, लेकिन मैं तो स्टेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हूं, टिट फॉर टैट में बात करता हूं। भैया कल का जो क्लास था उस क्लास में मैंने इसके लिए स्पेशल एक क्लास बच्चों को बना करके दिया कि अभी कैसे क्यों वाई वेयर का अब टाइम नहीं। साल भर क्या कर रहे थे, साल भर क्या कर रहे थे, अगर इतने ही बहुत ही डिजर्व करते हो इतना बात जानने का कि कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो साल भर क्या कर रहे थे। बच्चे जो लोग एग्जाम का तैयारी करने के लिए आए हो वो लोग बात को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम्स है, मेरे को कोई बताने में प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारे यहां पर सैकड़ों बच्चे हो सकता है कि ऑफलाइनर क्लास कर रहे होंगे, उनको एक एक बात क्लियर क्लियर कर करके बताया हुआ है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन का डिमांड है वही मैं यहां पर बताऊंगा। चलो पहला बात ध्यान रखो कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल। I1 और I2 दोनों बराबर है, I1 और I2 दोनों बराबर है, तो दोनों के बदले I पुट कर दो, I प्लस I इज इक्वल टू ए प्लस डेल। यहां 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल बाई 2 हो गया। अब इसी तरह से एक फॉर्मूला और कि R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों के सम के बराबर होता है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ये दोनों का एंगल के सम के बराबर होता है, मीन्स ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब चूंकि R1 और R2 दोनों बराबर है तो तुम कह सकते हो कि दोनों के बदले R पुट कर सकते। बस ये छोटा सा ट्रिक्स है, जो ऑफलाइनर बच्चे हैं वो इस बात को जान रहे हैं, जो ऑनलाइनर बच्चे हैं मेरे समझ से पहले से पढ़ के भी अपने से भी कुछ आए होंगे, और अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप सिंपली अभी सिर्फ दो बात याद कर लो बेटा, दो बात याद कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हर क्वेश्चन में बेटा कुछ ना कुछ तुमको ट्रिक्स बना के चलना पड़ेगा। और अभी सभी बच्चे को मैं सजेस्ट करता हूं, होता है ऐसा करते हुए निकल, एग्जाम का टाइम है, ज्यादा तुमको डिटेल पढ़ने का होगा तो एग्जाम के टाइम, एग्जाम के बाद फिर अभी तुम्हारे जूनियर्स वाले जब 12 का 11 जो 12 में जा रहे हैं उनका क्लास में जब चालू करेंगे उसमें घुस के पढ़ लेना, है ना, अगर ज्यादा तुम डिटेल नॉलेज चाहते हो तो। लेकिन अभी तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके हिसाब से पढ़ो। तो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 2r, इसका मतलब r इज इक्वल टू a बाई 2, r इज इक्वल टू a बाई 2, r इज इक्वल टू a बाई 2। अब बेटा तुमको दोनों चीज मिल गया, I भी मिल गया और R भी मिल गया, I भी मिल गया और R भी मिल गया। बेटा मैं फिर बता दूं, पहला ट्रिक्स फिगर बनाना, पहला ट्रिक्स फिगर बनाना, दूसरा ट्रिक्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल, तीसरा ट्रिक्स A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बेटा इसको पढ़ाने के एक प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर एक्स्ट्रा कुछ जानकारी के लिए एक अलग से अगर क्लास लेने की बात चली जाए तो इसमें इस डिटेल चीज को बताया जा सकता है, लेकिन अभी तो मेन जो अपन का क्लास है उसके लिए तो हम लोग के पास टाइम क्राइसिस है, तो अभी हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई करो। तो अब आई और आर जब दोनों तुमको मिल गया तो अब तुम स्नेल्स लॉ एकदम आराम से यूज कर सकते हो। स्नेल्स लॉ जानते हो ना, मी इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, आई के बदले कितना तो ए प्लस डेल बाई 2, और आर के बदले कितना तो ए बाई 2। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मी इज इक्वल टू साइन आई के बदले कितना, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड होकर के दोनों तरफ साइन छोड़ दिया था, ए प्लस डेल बाई 2, और यहां पर R के बदले कितना तो A बाई 2, और ये हो गया प्रिज्म फॉर्मूला। मैं उम्मीद करूं बच्चा कि आपको प्रिज्म फॉर्मूला समझ में आ गया।
मैं उम्मीद करूं बच्चा कि प्रिज्म फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया है। एक बार थम्सअप कर दो बेटा, जिनको समझ में आ गया प्लीज एक बार थम्सअप कर दो बेटा एक बार, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि हमारे बच्चे कोई क्लास समझ में आ रहा है। एक बार बेटा, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके पहला वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है, दूसरा वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस है। एक बार थम्सअप कर दो, बहुत अच्छे, मजा आ गया, शाबाश शाबाश, ऑल क्लियर सर, मजा आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर जी, अमित थैंक यू यार, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया सकल देव, लवली बेटा। सकल देव, सकल देव तुम मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हो और मैं तुमको टास्क देता हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को पता है तुम मेरा बात जरूर मानोगे कि कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे तुमको पता है कि तुमको बिल्कुल याद है, हमको पता है तुम्हारे टैलेंट्स पर मैं उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन फिर भी बेटा ओवर कॉन्फिडेंट के लिए, ताकि एग्जामिनेशन में बिना सोचे हुए मैं लिख सकूं, 2 बार 3 बार 4 बार इसको लिख लिख कर बेटा प्रैक्टिस करना। अच्छा एक बार मैं एक सजेशन और मैं सभी बच्चों को दे रहा हूं कि जब आप ये सभी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार जब लिखिएगा तो राइटिंग नहीं बनाइएगा, राइटिंग बनाइएगा तो आपका हाथ दुखेगा, आपका फिंगर में पेन होगा ना, तो फिर आपको ज्यादा पढ़ने का मन नहीं, बस यूं ही रफली लिखते जाइएगा। आप ऐसा लिखिएगा कि आप ही पढ़ सकें, एक बार केवल नीट एंड क्लीन लिखिएगा, बाकी बार बार आप ऐसा लिखिएगा जो आप ही केवल पढ़ सके, मतलब बिल्कुल ऐसे रगड़ते हुए लिखते जाएंगे ताकि मेरा याद हो गया, हाँ कम समय में। तो बेटा ये होता है रगड़ घिस करने का तरीका, ये होता है रगड़ घिस करने का तरीका एग्जामिनेशन में कि कैसे रगड़ा जाए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये ना तो मैथ का क्वेश्चन है ना ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल दूजे होता है फिजिक्स का क्वेश्चन। यहां पर ये मेरा पेपर है इसलिए मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वास्तव में ये पेपर ऐसा होता ही है। चलिए बहुत अच्छा, तो 2 क्वेश्चन आप लोग का हो गया, अब हम लोग आते हैं, खतरनाक समझ में आ गया अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और एक क्वेश्चन तो आप लोग का शायद शायद कुछ बच्चे हमारे, कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो सकता क्लास 10 में ए थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ करके आए हों, लेकिन पढ़ना शायद नहीं था क्लास 10 में, एक्चुअली केवल फार्मूला केवल बताया गया था, मेरे समझ से प्रूफ कोई अब, मतलब कोई बहुत जेंटल टीचर होंगे जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना पसंद करते होंगे वही प्रूफ किए होंगे, तो फिर ए फार्मूला भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/v - 1/u = 1/f थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो भी मैं इसको कर देता हूं, क्योंकि मेरा पर डे का लक्ष्य यही है कि 2 हाई फाई क्वेश्चन उसके साथ 1 सिंपल क्वेश्चन। तो आज शुरू का जो 2 क्वेश्चन था वो हाई फाई क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन को एनी हाउ कीजिएगा, आज ही कीजिएगा, अभी ही कीजिएगा, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद बिना कुछ किए हुए लिख लीजिएगा एक बार, तब हम समझेंगे कि आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप लोग एग्जामिनेशन का रियल तैयारी करने वाले बच्चे हैं। चलिए आते हैं थिन लेंस फॉर्मूला, मैं फिर बता दूं, 1/v - 1/u = 1/f, इसी को हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला कहते हैं, 1/v - 1/u = 1/f को हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला कहते हैं, और इसी फिगर के साथ साथ मैं एक फिगर आपको और बनाता हूं ताकि आपका क्लियर कट हो जाए। आप एक लेंस लो, आप यहां पर इसका एपर्चर डाल लो, यहां प्रिंसिपल एक्सिस डाल लो, ए हो गया, ए हो गया तुम्हारा, मैं ये देख रहा हूं कि कौन कौन लेटर से मेंशन किया हुआ, ऐसा नहीं कि यहां कुछ लेटर मेंशन हो हम कुछ और कर दें, तो ए इसका पोल हो गया, ए इसका फर्स्ट फोकस हो गया, ए इसका सेकंड फोकस हो गया, सेकंड फोकस के परे किसी ऑब्जेक्ट को रखो, इससे एक रे सीधे ऐसे जाएगी, दूसरा रे उसका पोल से होकर के जाएगी, और समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर कटती है, ए इसका फर्स्ट फोकस हो गया, ए इसका सेकंड फोकस हो गया, तो इधर एफ डैश और इधर 2f ले लो, और यहां पर इस प्रकार से इमेज बन गया। हम उम्मीद करें कि फिगर बिना देखे बना लोगे, ये तो लॉलीपॉप फिगर है, ये तो लॉलीपॉप फिगर है, हम उम्मीद करें सारे बच्चे इस फिगर को बना लोगे, पक्का बना लोगे, चलो बहुत अच्छे। अब देखो यहां पर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एक देखो, एक ट्रायंगल ए बन रहा है और इसी के साथ एक ट्रायंगल ए बन रहा है, बिल्कुल रेड वाले पार्ट पर केवल ध्यान दो, ए दोनों ट्रायंगल, हाँ पहले डिस्टेंस ले लो, ए डिस्टेंस हो गया यू, क्योंकि इधर है तो माइनस में होगा, ए डिस्टेंस हो गया भी, ए डिस्टेंस हो गया एफ, इतना ही से तुमको लेना देना है, इतना ही से तुमको लेना देना है,
हम उम्मीद करें बच्चा समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। तो तुम जरा गौर करो, इस ट्रायंगल में आओ और इस ट्रायंगल में आओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। देख लो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। हम लोग ट्रायंगल में आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल का साइड एक ही रेशियो में डिवाइड होता है। सिमिलर ट्रायंगल का साइड एक ही रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब तुम कह सकते हो कि अगर यहाँ पर नाम क्या दोगे, नाम दे दो ए बी, एक बार देख लो कि क्या दिया हुआ है। हाँ ए बी दिया हुआ है, लेकिन ए ऊपर लिखा हुआ है, ए ऊपर लिखा हुआ है, बी नीचे लिखा हुआ है, ए बी इसका मतलब ये हो गया ए डैश बी डैश। तो तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ओ बी बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी डैश कह सकते हो। बच्चा एक बार फिर से सुन लो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होने का भैया कुछ पूछ देंगे क्या शर्त है, कैसे हुआ सर? तो तीनों एंगल, अगर तीनों एंगल के बराबर हो रहा है तो मैं कहूंगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहां देखो ए एंगल और ए एंगल सेम है, ए 90 डिग्री है, दो को बराबर हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश, तो ओ बी बाई ओ बी का मतलब क्या, माइनस यू, सीधे वैल्यू पुट करते हैं, और इसका मतलब क्या, तो भी माइनस यू बाई भी इक्वेशन वन, माइनस यू बाई भी इक्वेशन वन। अब उसी प्रकार से मैं कलर चेंज कर दूं तो फिर वो दिखाई दे दे, ग्रीन कर देते हैं। अब एक ग्रीन वाले पार्ट पर ध्यान देना, देखो एक ट्रायंगल ए और इसी के साथ बना हुआ दूसरा ट्रायंगल ए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब तुम कह सकते हो इसको कुछ ले लो, एम ले लो, तो कह सकते हो कि ओ एम बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ, ओ एफ का मतलब हो गया एफ, और इसका इसका मतलब हो गया भी माइनस एफ। बच्चे फिर से ध्यान दो, यहीं पर जाके घर में फंसोगे। यहां से यहां तक तो एफ है, यहां से यहां तक भी है, इसका मतलब हमको इससे मतलब है, तो ये कितना बचेगा, तो भी माइनस एफ, और ओ एम के बदले क्या हो जाएगा, देखो तो ए ओ एम और ए ए बी दोनों आपस में बराबर है, तो इसके बदले तुम ए बी लिखोगे। अब गौर करो, ए दोनों आपस में बराबर हो गया, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों आपस में बराबर हो गया, कौन कौन बराबर हो गया, तो माइनस यू बाई भी और इसके साथ एफ बटा भी माइनस एफ, ए आपस में बराबर हो गया। इसी को सॉल्व कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू भी एफ। अब ऐसा करो, कैसा करोगे, भी एफ को इधर ले आओ, यू भी को उधर ले जाओ, इधर यू एफ पहले से है, यू एफ यू एफ, भी एफ को इधर से इधर ले आओ तो माइनस भी एफ हो जाएगा, यू भी को उधर ले जाओ तो यू भी इधर आके प्लस में हो जाएगा, सबको यू भी एफ से भाग दे दो, यू भी एफ से भाग दे दो, और तुम्हारा आंसर आ गया यू भी एफ से भाग। यहां देखो यू एफ कट गया, यहां भी एफ कट गया, यहां देखो यू भी कट गया, क्या बच गया, तो बच गया वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। अब इसी को देखो, बिल्कुल तुम्हारा अकॉर्डिंग टू योर फिगर बिल्कुल क्लियर कट करके यहां पर दिया हुआ है। तो और ऐसे भी ये क्वेश्चन तुम्हारा ऑलरेडी क्लास 10 से किया हुआ है। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि लेंस मेकर्स फार्मूला भी आप लोग का वंस मोर सर ब्रीफली, चलो फिर से एक बार देख लो। एक बच्चे का तस्लीम का कोई है, हाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स यू भी एफ, जिनको आता है वो तो एकदम से क्लियर हैं। चलो एक बार फिर से देख लो, एक बच्चे का, बस मैं फिगर पर केवल आ रहा हूं, फिगर तो उम्मीद करते हैं बना लोगे, केवल कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। एक बार इस ट्रायंगल और ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल, दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को बेटा तुम दोनों को सिमिलर करो, सिमिलर ट्रायंगल का साइड एक रेशियो में डिवाइड होता है, तो तुम कह सकते हो खड़ा बटा खड़ा तो पड़ा बटा पड़ा, मतलब वर्टिकल बाई वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल बाई हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या होता है सिमिलर साइड, कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर साइड क्या होता है, एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड करता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। और इसी प्रकार से ए छोटा वाला ट्रायंगल में आ जाओ और ए छोटा वाला ट्रायंगल में आ जाओ, वही बात मैंने बोला था कि वर्टिकल बाई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बाई हॉरिजॉन्टल, बस वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कर से खाली ये सावधान रहना इधर वाला माइनस होगा इधर वाला प्लस होगा, तो ए यहां से यहां तक तो ये पता है और यहां से यहां तक भी पता है, इसका मतलब ए हो गया भी माइनस एफ, बस इतना ही तो इसमें ट्रिक्स है बेटा, और बाकी तुम थोड़ा सा नोट्स देख लेना।
बहुत अच्छे। हाँ, तो बच्चे जो लोग को लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझ में आ गया, वन बाय वी माइनस वन बाय यू, एक बार थम्स अप कर दो बेटा ताकि मैं क्लियर हो लूं कि बस बच्चे को एक बार बेटा प्लीज मेरे को बता दो। यस, एकदम क्रिस्टल क्लियर सर शैम्स, बहुत अच्छा बेटा। एक बार हैरी 26 को क्लियर है। रुचिता बहुत अच्छा बेटा। शाबाश शबनम, बिहारी बाबू यस। हाँ क्लास शाम में है बिल्कुल। केमिस्ट्री संजय सर ऑनलाइन में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। संजय सर का क्लास सब लोग कर लो। यस बहुत अच्छा, थम्स अप का तो लाइन लग गया, मज़ा आ गया शाम में। हाँ सर बहुत क्लियर सर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छे। जब तुम लोग क्लियर कहते हो ना मेरा भी कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि मैंने इतना मेहनत किया तो मेरा मेहनत सक्सेस कर गया। अब मेरे बच्चे इतने समय को छोड़ करके हमारे क्लास को कर रहे हैं, हमारे भाषण को सुन रहे हैं, मेरे डांट को खा रहे हैं, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ बेटा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। एक बात तुम ध्यान दे लो कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें स्टूडेंट के जैसा ही रहना चाहिए। यस, मैं क्लासरूम में भी, जब ऑफलाइन क्लासरूम में भी रह जाता हूँ बेटा, तो मैं इस चीज़ के लिए जाना जाता हूँ कि मेरे यहाँ वेल डिसिप्लिन क्लास होता है, वहाँ कोई बट का मामला नहीं होता है। तो अगर तुम इतने भाषण को सुन रहे हो एक थर्ड पर्सन से, मैं कहाँ का तुम कहाँ का, मेरे से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, फिर भी अगर तुम मेरे डांट को सह रहे हो तो फिर तुमको इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए दोस्त। और एक बात ध्यान दो कि माँ बाप और टीचर कभी डांटता नहीं है। हाँ, उसके बिल्कुल डांट के पीछे उसका प्रेम छुपा होता है, उसका प्यार छुपा होता है। सो टीचर भी जस्ट लाइक एक पेरेंट्स होता है। और बच्चे तुम जब लर्न फन कुछ करते हो तभी मेरा कुछ बात मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा बोलता हूँ, तो इसको ज़्यादा ध्यान में मत रखना मेरे दोस्त, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना। संजय सर से ही आपका क्लास ज्वाइन किया है सर जी, बहुत अच्छे, बहुत संजय सर बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हैं। और यह सर सर हमको कॉपरेट भी किए हैं, और बाकी तो तुम लोग हो ही, तो चलो बहुत अच्छे। शाम में तुम लोग के लिए मैं अल्टरनेटिंग करंट का, एसी का मैं ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स और कुछ बेटर टिप्स लेकर के आऊँगा। सारे बच्चे क्लास करने श्योर आना, सारे के सारे बच्चे 7 बजे क्लास करने श्योर आना। मैं अल्टरनेटिंग करंट का, एसी का, सब्जेक्टिव, देखो यहाँ सॉरी ऑब्जेक्टिव, वेरी सॉरी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एक टाइम में तुम्हारा सब्जेक्टिव लेकर चलेंगे। अब सोचो तुम तीन तीन क्वेश्चन, जैसे आज तुम तीन क्वेश्चन किए, वैसे तुम तीन तीन क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन, अरे कोई सॉरी नहीं मोहित, होता है बेटा बस, वो सब होते रहता है, कोई सॉरी नहीं, बिल्कुल सॉरी नहीं। अरे अरे बेटा थोड़े से क्या होता है, पढ़ाने के पिकअप में थे ना, उस समय बिना मतलब का बात हमने देखा ना बेटा, तो 2 वर्ड बोल दिया। मैं बिल्कुल ही बच्चों को प्यार करता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई सॉरी वॉरी का मामला नहीं है। चलो बीत गई सो बात गई, मैं बता रहा हूँ कि तुम खुद सोच अच्छे से, ऐसे भी तुम क्या करोगे, तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन से ज़्यादा तो एक दिन में तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि केवल फिजिक्स तो नहीं पढ़ना है। अब मेरे बताया हुआ, अगर चूंकि मैं टीचर हूँ मेरे को आइडिया है कि कौन कौन क्वेश्चन आने का चांसेज है, तो उस हिसाब से अगर तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन एक दिन में तुम तैयारी करोगे बेटा, तो बताओ तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन होते होते 60 70 80 क्वेश्चन, तो यार कितना आखिर क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आने के पढ़ने के बाद तो कॉन्फिडेंट लेवल भयंकर हो जाएगा। और उधर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लेकर के चल ही रहे हैं, न्यूमेरिकल सीरीज लेकर के चल ही रहे हैं, मतलब कंप्लीट फिजिक्स तुम्हारा बिल्कुल टाइट हो जाएगा 15 दिन में अगर तुम थोड़े से मेरे रास्ते पर चलो तो। हाँ रात गई बात गई, तो बहुत अच्छे बच्चा तुम लोगों ने आकर के मेरा क्लास करा और मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा। और ये हमारा सोशल लिंक रहा दोस्त मेरे, कोई भी क्यूरी के लिए हमारे सोशल लिंक को तुम मेरे से संपर्क कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है मेरे भाई, इसको सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे अभी इसका पीडीएफ तुम्हारा इसी टेलीग्राम पर जाने वाला है, तो सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लेना। हाँ बिल्कुल, जितना लिखने से फुल मार्क्स आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन तुमको छोटा लग रहा है, जो क्वेश्चन तुमको छोटा लग रहा है वो समझ लेना 3 मार्क्स में आने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारा सब्जेक्टिव सीरीज जब हम लेकर के चले हैं तो ये 5 मार्क्स तो ठीक है कहने का होता है, लेकिन 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है अलग अलग नहीं रहता है, उसको कहाँ प्लेस मिलता है ये बात बड़ा होता है, कि अगर 5 मार्क्स में उसको प्लेस नहीं मिला तो उसी क्वेश्चन को 3 मार्क्स में दे दिया गया। तो थैंक यू सो मच बच्चे, तुम लोगों ने क्लास करा, और सभी बच्चे हमारे चैनल्स को प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और एकदम स्प्रेड आउट कर दो। तुम समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैनल है झारखंड के बच्चों के लिए, बिल्कुल समझ सकते हो। मैं थोड़े सख्त जरूर रहता हूँ, लेकिन जितने टीचर सख्त होते हैं वो सारे के सारे एक वेल लवर टीचर होते हैं, वो अपने बच्चों से अथाह प्यार करते हैं। तो मैं भी झारखंड के हर एक 11 12 के बच्चों से अथाह प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैं उनको सही मार्गदर्शन पर चलाने के लिए मैंने इतना कठोर परिश्रम करने का निर्णय लिया है। तो तुम लोग भी उन सभी बच्चों को बिल्कुल मेरे चैनल से लिंकअप करा दो, ताकि उनको एक बड़ा वाला फायदा उनको मिल सके, एक बात है। दूसरा बात है कि बच्चे अब जो 11 के बच्चे 12 में टर्न अप करने जा रहे हैं,
अभी कुछ दिनों के बाद मेरे यहाँ नया 12 का सेशन चालू होने जा रहा है, तो तुम लोग के कलीग्स जो कि इस शहर में मेरे गिरिडीह शहर में जो रहते हैं बिलोंग्स करते हैं, उन सभी को सही मार्गदर्शन तुम लोग दो कि वेल फिजिक्स तुमको कहाँ मिलने वाला है। ये भी तुम्हारी एक अच्छी जिम्मेवारी बनती है बच्चे, क्योंकि बच्चे अगर सही जगह पढ़ेंगे तभी शहर का अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। छोटे छोटे प्रलोभन देकर के दूसरे टीचर्स क्या करते हैं ना, छोटे छोटे प्रलोभन देकर के और छोटे छोटे रीजंस के कारण, है ना, बच्चे गलत जगह चले जाते हैं और फिर जब उनका समय गुजर जाता है 6 महीना 8 महीना और तब वो सोचते हैं कि अब मैं अपने आप को संभालूं, तो बेटा ये फिजिक्स है, नहीं संभलता है, है ना। तो चलो एक चीज़ मैं तुम लोग को रोज़ अलर्ट करते रहूँगा, प्लीज़ हेल्प मी एवरीबॉडी। चलिए तो फिर शाम में हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं, तब तक सब लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और हैव ए नाइस डे।